गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज दिखाते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ये देखिए जितना ड्राइव पे इसका काम कर रहे थे, अभी इसका एक साल से करीबन ये खड़ा था ग्रेडर, और खड़ा होने के बाद में इसका ड्राइव केस का ही इसका एक्चुअली काम निकला था इसका और पिनियन का। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद में इसके बाद में जब हम लोग स्टार्ट किए तो अभी इसका है इसका गियर केबल होता है, और ये इंटरनल ये पार्ट जो दिख रहा है ये गियर चेंजर केबल है। तो ये पूरी तरह से जाम हो चुका था। जाम होने के बाद में हम लोग ने इसको गियर केबल खोला। ये गियर केबल कहाँ पर जाता है ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। लीवर से होते हुए ये देख पा रहे होंगे, ये जो है डाउन वाला ये है गियर केबल है, ये बीच का जो है गियर चेंजर है, और ये ऊपर का है क्लच का है। ठीक है दोस्तों, ये है सिलेक्टर वाल्व। कुछ यहाँ पे ये जो देख पा रहे होंगे कंप्लीट ये सेट लगा हुआ है, इसे सिलेक्टर वाल्व बोलते हैं, है ना। कंट्रोल वाल्व बोल दो तो भी चलेगा, इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल वाल्व भी बोल सकते हैं इसे। तो हमने इसको एडजस्टिंग किया, अभी एक बार घूमा कुछ टाइम तक, इसके बाद में फिर फ्री हो गया। हमने यहाँ से चेक किया इसको गियर वो डाल के, तो गियर वगैरह बराबर यहाँ से काम कर रहे हैं, बट गियर पकड़ नहीं रहा है, बीच में थोड़ा सा पकड़ा है, इस पर छोड़ दिया, मतलब गियर स्लिप हो रहे थे। इसके लिए यदि गियर स्लिप हो रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ट्रांसमिशन का स्टेनर फिल्टर चेक करेंगे। तो आइए दिखाते हैं, ट्रांसमिशन का स्टेनर फिल्टर होता है ये मिट्सुबिशी का, ये पीछे में ट्रांसमिशन देता है। जैसे देख सकते हैं मैन पंप है, ये सेकेंडरी ये इसका वो है क्राउन बॉक्स से अटैच रहता है, क्राउन बॉक्स से ये ऑयल सप्लाई करता है, फिर क्राउन बॉक्स में जाता है, राइट। में यहाँ पे लगा रहता है स्टेनर फिल्टर, राइट। ये स्टेनर फिल्टर का फुल बोल्ट आप खोलोगे, इसके बाद में इधर से साइड से आप इसमें पंच करोगे तो ये निकल जाएगा। तो इसके बाद में ये अंदर में ये देख सकते हो, अभी खोले हैं हम लोग, तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं, ये देखिए ये कुछ इस टाइप के ये मेटल वगैरह निकल रहा है, ये जो मेटल है क्लच प्लेट का है, राइट। तो चलिए दिखाते हैं आपको स्टेनर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है इसका स्टेनर फिल्टर, राइट। इसको एलिमेंट फिल्टर भी बोल सकते हो नॉइज़, और ये कुछ ऐसे पार्ट्स वगैरह है। ट्रांसमिशन के अंदर कुछ भी होगा तो जितना भी कोई भी अंदर टूटेगा तो ये स्टेनर फिल्टर खींच लेगा उसको, क्यों, नेट की वजह से ये सारा जो मटेरियल होता है ये अपने तरफ इंटरनल पार्ट्स के जो भी डस्ट रस्ट वगैरह जो भी निकलते हैं ना वो सब ये खींच लेगा। और ये देख पा रहे हैं ये जो मेटल है ये एक्चुअली ये प्लेट का है, कौन सा, ये अपना होता है एक प्रेशर प्लेट होता है, एक मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट का